जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर MR नोटिफिकेशन 2022 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और आपको यहां पर डेट्स दी गई है कि हाँ आप लोग इस डेट से लेकर के इस डेट तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि कितने पद पर यह वैकेंसी है, क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर आ जाएगी। अगर आप यहां से जानकारी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर आएंगे और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर MR, यानी कि इसमें अब फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इन भर्ती के अंदर जो कि SSR MR की होती थी सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाते थे, बट अब जो SSR का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी 560 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए, और इसमें भी यहां पर जो वैकेंसी है टोटल 200 है और 40 वैकेंसी फीमेल के लिए रखी गई है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान ये देना है कि इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपने यहां पर जाना, ये आपका 01/2022 बैच के लिए है। इसमें यहां पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो है आपकी एज लिमिट की। तो एज के बारे में आप यहां से जानकारी कंफर्म कुछ ऐसे करेंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1999 से लेकर के 31 मई 2005 के बीच में कहीं पर भी आता है, मैं आपको फिर से बता दूं, आपको कमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ यह, क्या मैं एलिजिबल हूं। आप ऐसा क्यों करते हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप यहां से यह समझ ले कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1999 से लेकर के 31 मई 2005 के बीच में कहीं पर भी आता है आपकी जन्म की तिथि, तो इसका मतलब यह कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1999 से लेकर के 31 मई 2005 के बीच में नहीं है, इसका मतलब आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। सिंपल सी बात है, आपको कोई डेट लिखने की कमेंट में आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपने यहां से क्लियर कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि यही आपकी DOB रहने वाली है, यानी कि कोई अलग से छूट इसके अंदर नहीं मिलती है। जो आपकी पहली भर्ती हो रही है अग्निवीर स्कीम के तहत, इसमें एज आपको 2 साल की छूट दी गई है, यानी कि सभी कैंडिडेट 17.5 से लेकर के 23 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। वैसे इसमें जो एज लिमिट रहती है नॉर्मली वो 17.5 से 21 साल के बीच रहती है। 2 साल की छूट ऑलरेडी मिल चुकी है, ये भी पहली बैच को मिलेगी। इसके बाद जब ये नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन आएगा तो कोई भी छूट आपको एज के अंदर नहीं मिलेगी। फिर आती है दोस्तों यहां पर आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्वालिफिकेशन के रूप में सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। आपको ये नहीं बोला कि आपने 10वीं इस सब्जेक्ट के साथ पास की है या आपकी 10वीं के अंदर इतनी परसेंटेज होना चाहिए, कुछ ऐसा यहां पर नहीं बोला है। सिंपली कहा कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो बेसिकली यह कि आपने अगर 10वीं की है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड यहां पर आपके मन में 10वीं का जानकर के एक सवाल ये होगा कि क्या जो एडमिट कार्ड आएंगे वो परसेंटेज के बेस पर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए परसेंटेज के बेस पर जब ये भर्ती कोरोना के बीच में आई थी तब शुरू किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि जो एग्जाम सेंटर है वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं चाहते थे कोरोना की वजह से, इसलिए इन्होंने परसेंटेज का एक सिस्टम किया था। बट अब वो सिस्टम नहीं है, कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं होगी। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे अगर सही तरीके से अप्लाई करते हैं, फॉर्म कोई वैसी इंफॉर्मेशन की वजह से रिजेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि आपके सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, सभी लोग एग्जाम दे पाएंगे। फिर यहां पर दोस्तों नीचे आते और जानते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी बेसिकली जो अग्निपथ योजना के तहत आपको बताया वही मिलने वाली है। पहले साल आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से आपके हैंड में आएंगे 21,000 रुपये, 30,000 रुपये का आपका यहां पर जो फंड है वो कटेगा। इसी प्रकार से आपको सेकेंड ईयर 23,100 रुपये मिलेंगे, थर्ड ईयर आपको 25,500 मिलेंगे और फोर्थ ईयर आपको 28,000 रुपये मिलेंगे। ये वो है जो कि आपके हैंड में आने वाले हैं। और इसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको 11,00,000 रुपये कुछ दिए जाएंगे। ये सेम जानकारी है जो कि आपने पहले अग्निपथ स्कीम के तहत जान लिया था। और इसमें छुट्टी आपको महीने में 30 दिन की मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी अलग से छुट्टी दी जाएगी।
फिर यहाँ पर दोस्तों हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी आपकी जो प्रोफाइल रहती है। तो इसमें बेसिकली जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर इसकी जानकारी दी है। इसमें तीन तरह की जॉब प्रोफाइल होती है, एक होती है आपकी सेफ की यानी कि कुक की, फिर होती है स्टेवार्ड की और तीसरी होती है हाइजीनिस्ट की। कुक में आपको बेसिकली है कि आपको यहाँ पर राशन की अकाउंटिंग करना होता है और यहाँ पर खाना बनाना होता है मेन्यू के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आपका जो हैंडलिंग मीट प्रोडक्ट है वो भी करने होते हैं, ये सभी काम आपको करने होते। जो स्टेवार्ड की पोस्ट होती है इसमें बोला है कि आपको रिक्वायर्ड होती है फूड को सर्व करने की, जो कि ऑफिसर्स को सर्व किए जाते हैं। एज ए वेटर्स हाउसकीपिंग करनी होती है, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स यानी कि जो फंड्स मिलता है इसके लिए उसकी अकाउंटिंग करनी होती है। वाइन एंड स्टोर्स प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होता है। साथ ही आपको बोला है कि यू विल आल्सो बी ट्रेंड फायर आर्म्स एंड विल बी अलॉटेड सेफ ड्यूटीज फॉर इफिशेंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अतिरिक्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि जब जरूरत पड़े वो भी आप कर सके। फिर अग्निवीर एमआर हाइजीनिस्ट पर आपको बोला है कि यहाँ पर आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा, वॉशरूम्स एंड अदर एरियाज इन एडिशन, और इसमें भी बेसिकली यही बोला है कि अन्य चीज़ें भी आपको सिखाई जाएगी ताकि टाइम आने पर आप उसका भी काम कर सके। तो ये बेसिकली आपके मेन काम होते हैं इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद में। फिर यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन फीस अगर आपके मन में आ रहा है तो कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी, बट उसके पहले आप यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स जान लीजिए। तो इंपोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो रखी गई है 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022, यानी कि 25 जुलाई 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 जुलाई 2022 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और फिर 25 जुलाई 2022 को लिंक एक्टिवेट जैसे ही हो अप्लाई करना है। और जैसे ही वीडियो आएगी जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं। अब यहां पर आते हैं और जो आपको मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला था ये मैं आपको बताता हूं। तो आपको यहां पर आना है और आप जानेंगे कि इसमें जो आपकी हाइट रहेगी वो मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी कम से कम, हाइट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम, रनिंग यहां पर होगी 1600 मीटर की, 7 मिनट का समय दिया जाएगा, स्क्वाट्स उठक बैठक होंगे 20 टाइम्स करने होंगे और पुशअप आपको 10 टाइम्स करने होंगे। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी और मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से किया जाएगा। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप यहां पर देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड सिलेबस के बारे में दी गई है और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वीडियो बना रखी है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। वॉच करके आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी एसएसआर और एमआर दोनों के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये थी जानकारी। जानकारी अगर आपको पसंद आई है आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।